यीशु मंदिर से निकलकर जा रहे थे कि शिष्यों ने उनका ध्यान मंदिर परिसर की ओर आकर्षित किया। यीशु ने उनसे कहा, तुम ये मंदिर परिसर देख रहे हो? सच तो ये है कि एक दिन इन भवनों का एक भी पत्थर दूसरे पर रखा ना दिखेगा। हर एक पत्थर जमीन पर बिखरा होगा। यीशु जैतून पर्वत पर बैठे हुए थे। इस एकांत में उनके शिष्य उनके पास आए और उनसे ये प्रश्न किया, गुरुवर हमें ये बताइए कि ये घटनाएं कब घटित होंगी? आपके आने तथा जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, इस विषय में सावधान रहना कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि मेरे नाम में अनेक ये दावा करते आएंगे, मैं ही मसीह हूं, और इसके द्वारा अनेकों को भरमा देंगे। तुम युद्धों के विषय में तो सुनोगे, साथ ही उनके विषय में उड़ते उड़ते समाचार भी। ध्यान रहे कि तुम इससे घबरा ना जाओ, क्योंकि इनका होना अवश्य है, किंतु इसे ही अंत ना समझ लेना। राष्ट्र राष्ट्र के तथा राज्य राज्य के विरुद्ध उठ खड़ा होगा। सभी जगह अकाल पड़ेंगे तथा भूकंप आएंगे, किंतु ये सब घटनाएं तो प्रसव पीड़ाओं का प्रारंभ मात्र होंगी। तब वे तुम्हें क्लेश देने के लिए पकड़वाएंगे और तुम्हारी हत्या कर देंगे, क्योंकि मेरे कारण तुम सभी देशों की घृणा के पात्र बन जाओगे। इस समय अनेक विश्वास से हट जाएंगे तथा त्याग देंगे। वे एक दूसरे से विश्वासघात करेंगे, वे एक दूसरे से घृणा करने लगेंगे। अनेक झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, वे अनेकों को भरमा देंगे। अधर्म के बढ़ने के कारण अधिकांश का प्रेम ठंडा पड़ता जाएगा, किंतु उद्धार उसी का होगा जो अंतिम क्षण तक विश्वास में स्थिर रहेगा। पूरे जगत में सारे राष्ट्रों के लिए प्रमाण के तौर पर राज्य के विषय में सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, और तब जगत का अंत हो जाएगा। इसलिए जब तुम उस विनाशकारी घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा भविष्यद्वक्ता दानियल ने की थी, पवित्र स्थान में खड़ा देखो, पाठक ध्यान दें, तो वे जो यहूदिया प्रदेश में हो पर्वतों पर भाग कर जाएं, वो जो घर की छत पर हो घर में से सामान लेने नीचे ना आए, वो जो खेत में हो अपना कपड़ा लेने पीछे ना लौटे। दयनीय होगी गर्भवती और शिशुओं को दूध पिलाती स्त्रियों की स्थिति। प्रार्थना रत रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हें जाड़े या शब्बात पर भागना पड़े, क्योंकि वो महाक्लेश का समय होगा, ऐसा जो ना तो सृष्टि के प्रारंभ से आज तक देखा गया, ना ही इसके बाद दोबारा देखा जाएगा। यदि ये आने वाले दिन घटाए न जाते, कोई भी जीवित ना रहता। कुछ चुने हुए विशेष लोगों के लिए ये अवधि घटा दी जाएगी। उस समय यदि कोई आकर तुम्हें सूचित करे, सुनो सुनो मसीह यहाँ है या वो वहाँ है, तो विश्वास न करना, क्योंकि अनेक झूठे मसीह तथा अनेक झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। वे प्रभावशाली चमत्कार चिन्ह दिखाएंगे तथा अद्भुत काम करेंगे कि यदि संभव हुआ तो परमेश्वर द्वारा चुने हुओं को भरमा देंगे। ध्यान दो कि मैंने समय से पूर्व ही तुम्हें इसकी चेतावनी दे दी है कि यदि वे तुम्हारे पास आकर ये कहें, देखो देखो वो जंगल में है, तो उसे देखने चले ना जाना, या यदि वे ये कहें, आओ देखो वो कोठरी में है, तो उनका विश्वास ना करना। जैसे बिजली पूर्व दिशा से चमकती हुई पश्चिम दिशा तक चली जाती है, ठीक ऐसा ही होगा मनुष्य के पुत्र का आगमन। गिद्ध वहीं इकट्ठा होते हैं जहां शव होता है। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश न रहेगा। आकाश से तारे गिर जाएंगे, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब आकाश में मनुष्य के पुत्र का चिन्ह प्रकट होगा। पृथ्वी के सभी कुल शोक से भर जाएंगे और वे मनुष्य के पुत्र को आकाश में बादलों पर सामर्थ्य और प्रताप के साथ आता हुआ देखेंगे। मानव पुत्र अपने स्वर्ग दूतों को तुरही के ऊंचे शब्द के साथ भेजेगा, जो चारों दिशाओं से आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक जाकर उनके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे।